हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका दोस्त यासिर जी। फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करेंगे टेली सॉफ्टवेयर, टेली ईआरपी 9। टेली जो हमारे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इंडिया में यूज़ होता है और इसके अलावा दुबई में इसकी बहुत डिमांड है। मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ भी टेली यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सबसे पहले कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, उसके बाद कंपनी डिलीट किस तरीके से की जाती है, हाउ टू डिलीट अ कंपनी, और कंपनी शट डाउन किस तरीके से की जाती है, हाउ टू शट डाउन अ कंपनी, और कंपनी को ऑल्टर कैसे किया जाता है एक एक सीखेंगे, और कंपनी का बैकअप। कंपनी का बैकअप, किसी भी कंपनी का बैकअप बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो डेटा है किसी वजूहात के बिना पे विंडो करप्ट हो जाती है, आप अपना डेटा किस तरीके से बैकअप पे सेव करेंगे तो वो आपको आज हम बताएंगे, और रीस्टोर करना भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको तमाम मुकम्मल कोर्स पढ़ाया जाएगा डिटेल के साथ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली की तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड सबसे पहले। अच्छा, देखें आप, सबसे पहले यहाँ पे जो एक्टिवेशन लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें ये होता है कि आप अगर लाइसेंस परचेज करती हैं कंपनी, तो उस कंपनी अगर टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हैं तो उसका लाइसेंस होता है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बाद वो इसको यूज़ करती हैं। तो और नीचे रीएक्टिव लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, और उसके अलावा कॉन्फ़िगर एग्जैक्टिंग पुराने लाइसेंस की जो डिटेल है वो आ रही है। इसके अलावा जो जितनी भी नीचे नॉर्मली हम किस मोड पे काम करेंगे, हम लोग नॉर्मली जो काम करेंगे विदाउट लाइसेंस, विदाउट जो हमारे पास काम जो करेंगे विद लाइसेंस, वो वर्क इन एजुकेशनल मोड में करेंगे। तो मैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाता हूँ। सबसे पहले हमारा मोड आ रहा है सिल्वर एडिशन मोड, हमने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी हमारे पास एक पेज खुल गया है मेन कंपनी का, जो है गेटवे ऑफ टैली का। तो सबसे पहला जो सवाल था, हमने सबसे पहले कंपनी किस तरीके से बनानी है हमने वो सीखना है। तो कंपनी बनाने के लिए आपके पास सामने ये ग्रीन से जो बेल्ट बना हुआ है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कंपनी इन्फो, इसका मतलब कंपनी इन्फॉर्मेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे और देखें सामने आप पे सिलेक्ट कंपनी आ रहा है। इसी के मेलिंग एड्रेस हो गया, नेम हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड, टेलीफोन, ईमेल, हर कंपनी का होता है। मैं यहाँ पे अभी जस्ट कंपनी बना रहा हूँ और बाकी किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं उन सबको बताना शुरू कर दूँ इंटर इंटर तो मैं भी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ा, क्योंकि पहला आपको मैंने जैसे बताया था कि हम कंपनी किस तरीके से बनाते हैं, तो मैं आपको कंपनी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जो डिटेल है मैं मिस कर रहा हूँ, ये आप डाल सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट डिटेल है जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी। अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। इंटर किया, इंटर किया। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं येस एंड नो का। अगर मैं वाई प्रेस करूँगा तभी भी ये ओके हो जाएगा, अगर मैं इंटर करूँगा तब भी ओके हो जाएगा। मे बी मैं कोई मिस्टेक कर दूँ या मुझे कुछ चीज़ एडिट करना पड़े या मैं भूल जाऊँ, अगर मैं इसको एन प्रेस करूँगा तो मैं वापस उसी मोड पे आ जाऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो वापस मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। तो हम कोई भी चीज़ को एडिट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा फास्ट कर रहा हूँ, इसको इंटर किया और यहाँ से हम दोबारा उसी मोड पे आ गए। अब मैं अगेन इंटर करूँगा तो मेरे पास हमारी ये
एबीसी कंपनी बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये देखें आपके सामने एबीसी हमारी कंपनी बन गई। तो अब ये तो हमारी ही थी कंपनी एबीसी की, अब हम कंपनी को शट डाउन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं एबीसी कंपनी को शट डाउन कर दूँ। फ़िलहाल आपने देख रहे हैं मेरे गेटवे ऑफ टैली के फ्रंट पेज पे दो कंपनी आपको नज़र आ रही है, एक एबीसी कंपनी है और एक पहले ही असेंबली आइटम कंपनी बनी हुई थी। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी एबीसी कंपनी को रिमूव कर दूँ, तो शट डाउन कर दूँ। तो किस तरीके से शट डाउन करूँगा, आप देखें यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के ऊपर आपको एक शट डाउन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका शॉर्टकट है ऑल्टर F1 करेंगे तो हम उस मोड पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारी दोनों कंपनियाँ नज़र आ रही हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि एबीसी कंपनी को मैं शट डाउन कर रहा हूँ, तो हम ऑटोमेटिक एबीसी कंपनी के ऊपर हैं। जिस कंपनी को आपने शट डाउन करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं एबीसी कंपनी के ऊपर हूँ, मैं जस्ट इंटर करूँगा और ये कंपनी शट डाउन हो जाएगी। तो अब आप देखें मैं किस कंपनी में आ चुका हूँ, मैं असेंबली आइटम कंपनी में हूँ। मेरी वो जो कंपनी थी एबीसी वाली वो शट डाउन हो चुकी है, जस्ट शट डाउन हुई है, डिलीट नहीं हुई। तो हमने अभी क्या सीखा, कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है और कंपनी को शट डाउन किस तरीके से किया जाता है। तो इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑल्टर का, कि ऑल्टर किस तरीके से कंपनी को किया जाता है। तो ऑल्टर कंपनी के लिए, ऑल्टर करने के लिए हमें इसी देखें ग्रीन बेल्ट के ऊपर आपको एक कंपनी इन्फो नज़र आ रहा है। कंपनी इन्फो मीन कंपनी इन्फॉर्मेशन। मैं जैसे ही कंपनी इन्फॉर्मेशन के पेज पे आया तो आपको फिफ्थ नंबर पे ऑल्टर नज़र आ रहा है। आपको अगर किसी कंपनी में कोई डेटा ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे, मैंने ऑल्टर पे क्लिक किया, आप इंटर किया, असेंबली आइटम कंपनी है, मैं इसमें अगेन इंटर कर रहा हूँ। हम लोग असेंबली आइटम के उस मोड के ऊपर आ गए जहाँ पे कंपनी क्रिएट की जाती है। देखिए असेंबली आइटम, इसके अंदर मुझे कोई एड्रेस डालना था तो मैंने यहाँ पे अजमान UAE का एड्रेस डाल दिया। इसके अलावा मैं जैसे ही इंटर करूँगा, मतलब मुझे ये एड्रेस डालना ज़रूरी था तो मैंने ये डाल दिया, इंटर किया। अब यहाँ पर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री आ रही, किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया आ रहा है, मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। अब ये इंडिया की मुझे नीचे डिटेल डालनी पड़ेगी, मतलब मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, वही है कि अभी मैं डिटेल नहीं डालना चाह रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल किस तरीके से डाली जाती है। तो मैं नोट एप्लीकेबल पे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आगे निकल जाऊँगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जस्ट अजमान एड्रेस डाल दिया और इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, इंटर करते हुए मैं यहाँ से आगे निकल गया। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा इंटर करेंगे तो इस तरीके से हमने ऑल्टर करना भी सीख लिया। ठीक है, तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा कि कंपनी को डिलीट किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, आप कोई भी प्रोसेस करें ना तो एस्केप कर दिया करें ताकि आप दोबारा गेटवे ऑफ टैली मतलब मेन पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। तो लास्ट हमारा एक अच्छा जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, कि कंपनी को डिलीट किस तरीके से किया जाता है। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए दोबारा हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ सिलेक्ट कंपनी में चले जाएं आप। ठीक है, आप सिलेक्ट कंपनी में भी जा सकते हैं, शॉर्टकट है F1। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे आपके पास तीन कंपनियाँ इसमें बनी हुई थी, BBC जिसको हमने शट डाउन किया था, और असेंबली आइटम अंदर पहले ही बनी है, और मैंने और XYZ भी कंपनी अंदर पहले ही मौजूद है। मैं चाहता हूँ मैं इन कंपनियों में से किसी कंपनी को डिलीट कर दूँ, तो हम क्या करते हैं, ABC जो हमारी कंपनी है हम उसको डिलीट कर देते हैं, बल्कि हम XYZ को डिलीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, XYZ कंपनी है, हमने इसको सिलेक्ट किया, एक दफ़ा इसको इंटर करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटर हो गई, हम इस कंपनी की डिटेल में जाने लगे हैं। तो कंपनी में डिटेल में जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी इन्फो में आ गए दोबारा, सिलेक्ट कंपनी कर रहे हैं और XYZ को मैं डिलीट करने लगा हूँ। हम इसको बोल के ऑल्टर में आते हैं साथियों, हम ऑल्टर में आते हैं, ये स्मोट में आ गए, ऑल्टर में आके अगेन इंटर करते हैं, हम लोग यहाँ पे XYZ में आ गए। अब आपको जो भी कंपनी डिलीट करनी है आपने सिंपल क्या करना है, ऑल्टर डिलीट, आप ऑल्टर डिलीट पे
क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यस या नो। तो जाहिर है हम कंपनी डिलीट कर रहे हैं, तो हम लोग एक दफ़ा एक बार फिर इंटर कर देंगे। तो हमसे अगेन पूछ रहे हैं आर यू श्योर, क्या आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यस पे प्रेस करेंगे तो वो कंपनी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे चार ऑप्शन। इसके अलावा हमारा एक और ऑप्शन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बैकअप किस तरीके से लिया जाता है। तो कंपनी का बैकअप लेने के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन में। कंपनी इन्फो के बिल्कुल बॉटम में आप देखें आपको बैकअप नज़र आ रहा है कि बैकअप किस तरीके से लिया जाता है। ये हमारा बैकअप है, मैं बैस जैसे ही बैकअप पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है। देखें ये हमारा जो बैकअप बनाता है वो सी ड्राइव है, डेली की ईआरपी डेटा उसके अंदर हमारा बैकअप है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई बैकअप बनाएं, तो हम इंटर करके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर टेली बैकअप मैंने पहले ही लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने बैकअप बनाता रहता हूँ, तो मैंने टेली बैकअप बनाया वो मंडे का कि मुझे टेली का बैकअप बना दो मंडे का सी ड्राइव के अंदर ही। उसने कहा ठीक है, मैं अगेन इंटर करूँगा और नीचे आ गया। तो आप देखें मेरे पास दो कंपनियाँ पहले ही मौजूद थी, एक एबीसी कंपनी और एक असेंबली आइटम एक्स वाई जेड को हम लोग डिलीट कर चुके हैं। तो मुझे जिस कंपनी का डेटा चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा। जैसे ही इंटर किया वो पूछ रहा है कि आपको सेकंड इंट्री कंपनी का भी डेटा चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट किया और इंटर किया। मैं जैसे ही इंटर का बटन दबाया उसने एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अगेन इंटर करूँगा और वो क्या करेगा, हमारी कंपनी को उसने बैकअप बना दिया। मैं जाके चेक करता हूँ कहाँ पे बैकअप बना है, इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे और हमारे कंप्यूटर में जाएंगे। हमारे कंप्यूटर आने के बाद सी ड्राइव में आएंगे। सी ड्राइव में आने के बाद आप ये देखें टेली का बैकअप बना हुआ है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड, टेली का बैकअप मंडे मैंने लिखा हुआ था तो मंडे लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे पास टेली का टी बी के 9, तो ये टेली का कोड है और टेली के